बिस्मिल्ला रहमीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टो सिस्टेमिक अनास्टमोसिस के बारे में या जिसको हम केबल अनास्टमोसिस भी कहते हैं केबल अनास्टमोसिस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है जो बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज जिसकी फॉर्मेशन हो रही होती है वो अनास्टमोस करती है सिस्टेमिक वनस के साथ उसके अलावा हम इसको पोर्टो सिस्टेमिक अनास्टमोस भी करती हैं क्योंकि पोर्टल वेन हमारे पास सिस्टेमिक वेन के साथ अनास्टमोस कर रही है अब तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे पास ये पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज अनास्टमोस कर रही हैं सिस्टेमिक वेन्स के साथ तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोकेशन नंबर वन आती है ये हमारे पास है ये लोकेशन नंबर वन जिसमें हमारे पास जो ये जो लोकेशन है ये कौन सी लोकेशन है जहां पे स्टमक शुरू हो रहा है उससे पहले कौन सी लोकेशन आती है लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस यानी लोकेशन वन क्या है हमारे पास लोअर एंड ऑफ लोअर एंड ऑफ एसोफेगस तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले हम इसे नास्टमोसिस को देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टेमिक uh, वेन से ब्रांच आ रही है वो हमारे पास है जी एसोफेजियल वेन और जो पोर्टल वेन से आ रही है वो हमारे पास है जी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन तो ये हमारे पास थी जी साइड वन इसको टेबल से भी देख लेते हैं तो ये हमारे पास है जी टेबल जिसमें हम देख सकते हैं कि लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पर हमारे पास पोर्टल वेन से लेफ्ट गैस्ट्रिक और सिस्टेमिक वेन से हमारे पास आ रही है जी एसोफेजियल वेन्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोजीशन नंबर ये हमने बात कर ली पोजीशन नंबर वन की लोअर एंड ऑफ एसोफेगस जहाँ पे हमारे पास एसोफेजियल वेन जो तो कि सिस्टेमिक वेन से आ रही थी वो अनास्टमोस कर रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ अब हम पोजीशन नंबर टू को देख लेते हैं पोजीशन नंबर टू क्या है हमारे पास लोअर एंड ऑफ द रेक्टम यानी ये हमारे पास है जी रेक्टम दिस वन इज रेक्टम तो रेक्टम का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे हमारे पास बात करें तो पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारे पास कौन सी वेन आ रही होती है वो हमारे पास होती है जी सुपीरियर रेक्टल वेन सुपीरियर रेक्टल वेन सिस्टेमिक वेन से जो आ रही होती हैं मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल इसके साथ क्या कर रही होती हैं अनास्टमोस कर रही होती है यानी लोकेशन टू क्या होती है हमारे पास लोअर एंड ऑफ रेक्टम यही जो रेक्टम का लोअर एंड होता है वहां पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन अनास्टमोस कर रही होती है मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल के साथ ये मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल सिस्टेमिक वेन का पार्ट होती हैं उसके अलावा जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन है ये हमारे पास पोर्टल वेन का पार्ट होती है अब ये जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये हमारे पास ड्रेन करती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन में अब इन्फीरियर मेजेंटेरिक हमारे पास ड्रेन करती है स्पलैनिक वेन के अंदर उसके अलावा जो हमारे पास मिडल रेक्टल वेन है ये हमारे पास डायरेक्टली ड्रेन करती है इंटरनल आईलिक वेन के अंदर उसके अलावा जो हमारे पास इंफीरियर रेक्टल वेन होती है वो पहले ड्रेन करती है इंटरनल प्रोडेंडल वेन के अंदर इंटरनल प्रोडंडल वेन के अंदर ड्रेन करने के बाद ये हमारे पास ड्रेन कर जाती है इंटरनल आईलिक वेन के अंदर यानी अल्टीमेटली मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल दोनों ड्रेन कहाँ करेंगी इंटरनल आईलिक वेन के अंदर तो ये दूसरी लोकेशन की हमने बात कर ली कि लोअर एंड ऑफ रेक्टम में हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन अनास्टमोस कर रही है मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल के साथ हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं इस, टे, इस टेबल में हम देख सकते हैं कि लोअर एंड ऑफ रेक्टम में हमारे पास सुपीरियर रेक्टल जो हमारे पास पोर्टल वेन का पार्ट होती है वो अनास्टमोस करती है मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन के साथ के बाद हम बात करते हैं लोकेशन नंबर थ्री की लोकेशन नंबर थ्री हमारे पास होती है अम्बलिकस अम्बलीकस के लेवल पे हमारे पास जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ होती है पोर्टल वेन की वहाँ से हमारे पास रही होती है जी पैरा अम्बलाइकल वेन पैरा अम्बलाइकल वेन हमारे पास अनास्टमोस करती हैं सिस्टेमिक वेन की एक्सटर्नल आईलेग वेन से में जो तो ड्रेन होती हैं वेंस वेंस ऑफ एंटीरियर एबडामिनल वॉल जो एंटीरियर एबडामिनल वॉल की वेंस होती हैं वो हमारे पास ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल आईलिक वेन्स के अंदर तो वो हमारे पास इस अनास्टमोसिस में टेक पार्ट करती हैं यानी जो थर्ड लोकेशन है वो अम्बलाइकस के लेवल पर है जहाँ पे हमारे पास पैरा अम्बलाइकल वेन जो पोर्टल वेन का पार्ट होती है वो अनास्टमोस करती है वेंस ऑफ इंटीरियर एबडोमिनल वॉल के साथ अब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेन्स होती हैं इंटीरियर और वॉल में वह हम उनको देख लेते हैं तो ये हमारे पास थी जी लोकेशन नंबर थ्री अम्बलाइकस जिसमें पैरा अम्ब्लाइकल वेन हमारे पास पार्टी पोर्टल वेन का और आ, हमारे पास जो सिस्टेमिक वेन थी यानी वेन्स ऑफ एंटीयर एबडामनल वॉल ये हमारे पास मल्टीपल नंबर थी सबसे पहले अबव द अम्बलाइकस देखें तो हमारे पास सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और लेटरल थोरेसिक वेन आ जाती है उसके अलावा बिलो द अम्बलाइकस देखें तो हमारे पास सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आ जाती है और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आ जाती है यहाँ पर सुपीरियर यहाँ पर सुपरफिशियल और इन्फीरियर बात उसके बाद साइड्स की बात करें तो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन आ जाती है उसके अलावा लंबर वेन आ जाती है यानी ये हमने बात कर ली थर्ड लोकेशन की नंबर वन हमने देखा लोअर एंड ऑफ एसोफेगस फिर हमने देखा लोअर एंड ऑफ रेक्टम फिर देखा हमने अम्ब्लाइकस के लेवल पर अम्बलाइकस के लेवल पर पे पैराम्ब्लाइकल पे थी जिसने हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वेन्स के साथ क्या किया अनास्टमोस किया उसके बाद थर्ड थर्ड हमने देख लिया अब हम फोर्थ नंबर पर चलते हैं फोर्थ नंबर में क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट रीनल वेन होती है लेफ्ट रीनल वेन कहाँ से आ रही होती है इन्फीरियर वेना के अब से लेफ्ट रीनल वेन हमारे पास अनास्टमोस कर रही होती है स्पलैनिक वेन के साथ तो ये हमारे पास कहाँ लोकेशन होगी ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल क्योंकि हमारे पास जो किडनी uh, होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लय कर रही होती है तो ये लोकेशन होगी हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल ये फोर्थ लोकेशन हमारे पास पोस्टीरियर एपडोमिनल वॉल होगी जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट रीनल वेन है ये कौन सी वेन है लेफ्ट रीनल वेन ये ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट किडनी में से हमारे पास कौन सी वेन होगी लेफ्ट रीनल वेन जो कि हमारे पास किसका पार्ट है सिस्टेमिक वेन का तो वो हमारे पास अनास्टमोस कर रही है, इस प्लेनिक वेन के साथ अब हम इसको टेबल से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल में हमारे पास पोर्टल वेन से आ रही थी स्प्लैनिक वेन स्प्लैनिक वेन के साथ हमारे पास जो सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू आ रही थी वो हमारे पास है जी लेफ्ट रीनल वेन तो ये हमने फोर्थ लोकेशन की बात कर ली नंबर वन हमने देखा लोअर एंड ऑफ एसोफेगस नंबर टू हमने लोअर एंड ऑफ रेक्टम देखा फिर हमने नंबर थ्री अम्बलाइकस देखा नंबर फोर हमने पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल देखा अब नंबर फाइव देख लेते हैं नंबर फाइव नंबर सिक्स और नंबर सेवन ये तीनों हमारे पास रिलेट कर रहे हैं लिवर के साथ सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर फाइव नंबर फाइव हमारे पास जो बेयर एरिया ऑफ़ लीवर होता है जहाँ पे हमारे पास लीवर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है डायफ्राम के साथ उसे हम क्या कहते हैं बेयर एरिया ऑफ लीवर उस बेयर एरिया पे हमारे पास जो आ, निकल होती हैं पोर्टल रेडिकल्स पोर्टल रेडिकल्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो हमारे पास जो पोर्टल ट्रायड होता है उसमें से हमारे पास निकल जाते हैं पोर्टल रेडिकल्स अब पोर्टल रेडिकल्स हमारे पास किसकी मतलब किसका पार्ट होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी पोर्टल वेन का पार्ट होते हैं तो पोर्टल वेन के हमारे पास आ गई जी पोर्टल रेडिकल्स जो हमारे पास अनास्टमोस करेंगे डायफ्रेगमेटिक वेन्स के साथ अब ये डायफ्रेगमेटिक वेन हमारे पास सिस्टेमिक सिस्टम का पार्ट होती है तो हम इसको टेबल से भी देख लेते हैं तो ये हमारे पास है बेयर एरिया ऑफ लीवर जहाँ पे लीवर डायरेक्टली कांटेक्ट होता है डायफ्राम के साथ तो इधर हमारे पास पोर्टल वेन के जो वेन्स आ रही हैं वो हमारे पास है पोर्टल रेडिकल्स जो पोर्टल ट्राइल्स में से आ रही होती हैं और वो अनास्टमोस करती हैं डायफ्रामेटिक वेन्स के साथ उसके बाद जो नंबर सिक्स है नंबर सिक्स हमारे पास जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होते हैं फैलसीफॉम लिगामेंट बेसिकली हमारे पास जो लीवर होता है उसको लेफ्ट और राइट लोब के अंदर क्या कर रहा होता है डिवाइड कर रहा होता है यानी ये अगर इधर हमारे पास फैलसीफॉर्म लिगामेंट है तो ये लिवर को एक लेफ़्ट लोब और राइट लोब के अंदर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो इस फेल्सीफॉम लिगामेंट के अंदर हमारे पास जो पैरामलाइकल वेन होती है पैरामलाइकल हमने यहाँ पे भी पढ़ी तो इसको हम कह सकते हैं इन्फीरियर पैरामलाइकल वेन और ये चूंकि हमारे पास सुपीरियर ली जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे सुपीरियर पैरामलाइकल वेन बुक में उसने सुपीरियर इन्फीरियर की टर्म यूज नहीं की तो अब पैरामलाइकल इसको कह सकते हैं यानी ये भी हमारे पास कौन सी है पैरामलाइकल वेन अब ये जो पैराम्लाइकल वेन है ये हमारे पास डे वेन के साथ क्या कर रही है कर रही है अब ये डेफ्रोगमेटिक हमने इधर भी पढ़ी थी कि पोर्टल रेडिकल्स के साथ कर रही थी उसके अलावा ये हमारे पास जो पैरामलाइकल वेन है उसके साथ भी क्या कर रही है अनास्टमोस कर रही है तो ये बात होगी जी लोकेशन नंबर सिक्स की हम तो इसको टेबल से भी देख लेते हैं तो ये हमारे पास है जी लोकेशन नंबर सिक्स यानी फेल्सीफाम लिगामेंट फेल्सीफाम लिगामेंट भी हमारे पास थी जी पैरामलाइकल वेन या जिसको हम सुपीरियर पैरामलाइकल वेन भी कह सकते हैं तो सुपीरियर पैरामलाइकल वेन हमारे पास अनास्टमोस कर रही थी जो कि पोर्टल वेन का पार्ट होती है डायफ्रगोमेटिक वेन के साथ उसके बाद जो हमारे पास विसरल सरफेस होती है लीवर की यानी पीछे वाली साइड पे विसरल सरफेस ऑफ लीवर पे हमारे पास जो लिगामेंटम विनोसम होता है जो हमारे पास विसरल सरफेस ऑफ लीवर पे, पे प्रेजेंट होता है वो उसके लेवल पे हमारे पास होता है लोकेशन नंबर सेवन जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन होती है वो डायरेक्टली नास्टमोस कर रही होती है इनफीरियर वेना कैर के अंदर वो हम इसको एक और डायग्राम से भी समझ लेते हैं तो ये हमारे पास है जी विसरल सरफेस ऑफ लीवर तो ये हमारे पास है जी लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन तो ये और यहाँ पे हमारे पास क्या लाइक कर रहा होता है लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम विनोसम की पोजीशन पे हमारे पास जो लेफ्ट ब्रांच होती है वो अनास्टमोस कर रही होती है इन्फीरियर वेना कैबा के, के साथ तो ये हमने बात कर ली सेवंथ लोकेशन के बारे में तो यही यहाँ पे मेंशन है कि लिगामेंटम विनोसम के लेवल पे हमारे पास लेफ्ट ब्रांच होती है पोर्टल वेन की वो अनास्टमोस कर रही होती है इन्फीरियर वेनाकेवा के साथ तो ये हमने बात कर ली थी साइड्स ऑफ पोटोकेवल अनास्टमोसिस के बारे में सबसे पहले हम देखा कि लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एसोफेजियल वेन के साथ अनास्टमोस कर रही थी ये जो लोअर एंड ऑफ एसोफेडियल जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो पोर्टल वेन का पार्ट होती है वो एसोफेडियल वेन के साथ क्या करी थी अनास्टमोस करी थी फिर हमने देखा कि uh, जो हमारे पास लोअर एंड ऑफ रेक्टम होता है वहाँ पे सुपीरियर रेक्टल मिडल और इन्फीरियर रेक्टल के साथ क्या करी थी अनास्टमोस कर रही थी तो ये हमारे पास है जी लोअर एंड ऑफ रेक्टम जिसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन अनास्टमोस करी है मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन के साथ उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास थी अम्बलाइकस एम्ब्लाइकस के लेवल पे हमारे पास पैरा पैराम्ब्लाइकल वेन जो कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से निकल रही होती है वो अनास्टमोस करती है वेन्स ऑफ एंटीरियर एबडामिनल वॉल के साथ तो ये है हमारे पास अम्बलाइकस अम्बलाइकस के लेवल पे जो पैरा पैराम्ब्लाइकल वेन है जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से निकल रही होती है वो अनास्टमोस करती है वेन्स ऑफ एंटीरियर एबडामिनल वॉल के साथ उसके बाद पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल की बात करें तो जो स्प्लेनिक वेन होती है वो लेफ्ट रीनल वेन के साथ क्या कर रही होती है अनास्टमोस कर रही होती है तो ये हमारे पास है जी स्प्लेनिक वेन जो कि अनास्टमोस कर रही है लेफ्ट रीनल वेन के साथ उसके बाद जो हमारे पास बेयर एरिया ऑफ लीवर होता है बेर एरिया वो कौन सा एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास लीवर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है डायफ्राम डायफ्राम के साथ तो लिवर में से पास portal, uh, पास और, uh, हमारे पास आ रहे होते हैं पोर्टल रेडिकल्स ये हमारे पास पोर्टल रेडिकल्स हैं और इसके ऊपर हमारे पास डाफ्रोगमेटिक वेन्स होती हैं तो ये हमारे पास आ गई है वेन्स उसके अलावा सिक्स पोजीशन में फैल्सीफाम लिगामेंट फेल्सिफाम लिगामेंट सुपीरियर पैराम्लाइकल वेन और डेफ्रोगमेटिक uh, वेन तो ये हमारे पास फेल्सिफाम लिगामेंट था जहाँ पे हमारे पास पैरा सुपीरियर पैरामकल वेन अनास्टमोस कर रही थी डाफ्रोगमेटिक वेन के साथ उसके अलावा विसरल सर्फेस पे हमने देखा कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन डायरेक्टली अनास्टमोस कर रही थी इन्फीरियर वेनाकेबल के साथ तो ये था टॉपिक हमारा साइड्स ऑफ पोर्टाकेबल अनास्टमोसिस के बारे में इसके अलावा हम इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो तीन ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारे पास अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं सबसे पहले जो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस था यहाँ पे हमारे पास अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए तो आ, जो हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं एसोफेजियल एसोफेजियल वैरिसेस तो यहाँ पे हमारे पास एसोफेजियल फेजियल वायरिस जिसमें जो वेंस होती हैं वो हमारे पास क्या कर जाती हैं डायलेट कर जाती हैं जिसकी वजह से लोअर एंड ऑफ एसोफेगस की क्या हो जाती है ब्लॉकेज हो जाती है उसके अलावा अगर हमारे पास जो लोअर एंड ऑफ रेक्टम होता है यहाँ पे हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ही, हीमोराइल्स हो सकते हैं या जिसको हम पाइल्स कहते हैं उसके अलावा अगर हमारे पास अम्ब्लाइकस के लेवल पर ये पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकते हैं कैपिट मडूसा कैपिट मड्यूसा क्या होते हैं कि जो बेसिकली एम्बलाइकस का लेवल हमारे पास वो लेवल होता है जहाँ पे वाटर शेड लेवल होता है मतलब यहाँ इसके ऊपर वाली जो लिम्फेटिक होती है वो इसके ऊपर ड्रेन करती है और नीचे वाली नीचे ड्रेन करती है तो अगर हमारे पास पोर्टल हाइपर टेंशन हो जाए तो कैपिट मडुसा कैपिट मोडूसा क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं अम्ब्लाइकस के लेवल पर वो डायलेट कर कर हमारे पास अम्बलाइकस के uh, मतलब ये अगर हमारे पास अम्बलाइकस है तो इसके uh, यहाँ से करके ऐसे करके रेडिएट कर रही होती हैं वो डायलेट हुई होती हैं और इसके अलावा अम्बलाइक से क्या कर रही होती हैं रेडिएट कर रही होती हैं तो ये हमारे पास होती रही कैपिन मडोसा तो so ये था टॉपिक हमारा पोटो केवल अनास्टमोसिस के बारे में इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल